Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am going to deliver a lecture on the morphological features of insect. Actually, there are four morphological features. First one is head, second one is compound eyes of insects, third is antenna in insects, and fourth one is mouth parts of insects. This PPT explains the fourth morphological feature of insects, that is mouth parts of insects. I tried all my best to explain the topic by colorful diagrams so that topic becomes easy. Otherwise, it is very difficult to understand the diagrams. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. दीज आर द लास्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स. अब आपको पता है माउथ पार्ट्स हैं तो किस काम आएंगे? प्रोसेस ऑफ फीडिंग में काम आएंगे, यानी कि फीडिंग में हेल्प करते हैं. बट फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स में अगर हम स्टडी करें तो देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स. मेनली टू टाइप्स की फीडिंग हैबिट्स होती है इंसेक्ट्स की. फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हैबिट. रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के फूड पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे फीड करना, यानी कि सिर्फ वो एक स्पेसिफिक टाइप का फूड ही फीड करेंगे, किसी और फूड की तरफ नहीं जाएंगे. फिर दूसरी है जनरलाइज्ड फीडिंग हैबिट्स, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ फूड पर इंसेक्ट्स फीड करते हैं. इसीलिए जनरलाइज्ड टाइप, जनरल जनरल है, कोई भी किसी भी तरह के फीड पर वो एक तरह से फीड कर लेते हैं. तो मोर देन वन टाइप ऑफ फीड पर वो फीड कर लेते हैं. बट इन दोनों टाइप्स की फीडिंग हैबिट्स के बीच में, इन बिटवीन दीज टू फीडिंग हैबिट्स, अ लॉट ऑफ द इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स इनटू वेरियस टाइप्स. ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर वेरियस फीडिंग हैबिट्स, इन बिटवीन दीज टू फीडिंग हैबिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कंसीडर्ड. फर्स्ट इज फाइटोफेगस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. फाइटो मतलब प्लांट्स, फेगस मतलब जो उसका जूस, प्लांट्स के जूस पर जो फीड करे, तो उसको हमने कह दिया फाइटोफेगस. फीडिंग ऑन द प्लांट जूसेस, जिसमें आगे हमारे एफिस, मेल मॉस्किटो. मेल मॉस्किटो यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि जो मेल मॉस्किटो है ये ब्लड सक नहीं करता, ये प्लांट जूस पर फीड करता है. देन रेड कॉटन बग. नेक्स्ट इज सेप्रोफेगस. सेप्रोफेगस मतलब द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि बीटल्स. फिर आगे हमारे प्रीडेशियस. प्रीडेशियस मतलब द इंसेक्ट्स विच प्रे अपॉन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेइंग मेंटिस. हाइपर पैरासाइट्स. हाइपर पैरासाइट्स मतलब पैरासाइट के भी पैरासाइट. ठीक है, तो पैरासाइट के भी जब भी पैरासाइट आएंगे, देन दिस टर्म इज नोन एज हाइपर पैरासाइट, यानी कि द इंसेक्ट्स विच पैरासिटाइज ऑन द पैरासिटिक इंसेक्ट्स. पैरासिटिक इंसेक्ट्स के ऊपर जो फीड करे, यानी कि उनके भी पैरासाइट्स आर नोन एज हाइपर पैरासाइट्स. नेक्स्ट इज हर्बीवोरस, मतलब जो फीड करे वेजिटेबल फूड पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर. आजकल खूब मिलता है ग्रास होपर, खूब आ रहा होगा आप लोगों के प्लांट्स पर भी, पत्ते खा जाते हैं सारे के सारे. सेंगिवोरस विच फीड अपॉन द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सारे के सारे फीमेल मॉस्किटोज आ जाएंगे, मेनली एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो. देन ह्यूमन लाउस. ह्यूमन लाउस में दो आ जाएंगी, हेड लाउस एंड बॉडी लाउस. देन बेड बग. नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब ये है कि जो फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स है ये डिफर करती है, इसी वजह से जो उनके माउथ पार्ट्स है वो भी डिफरेंट होते हैं. तो सिंस द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स इज डिफरेंट, हेंस माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो डिफर. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके एडल्ट्स फीड ही नहीं करते, इसीलिए उनके जो माउथ पार्ट्स है या तो एब्सेंट है या इन द वेस्टिजियल यानी कि डीजनरेटेड फॉर्म में है. तो कुछ इंसेक्ट्स एक्सेप्शन में आ जाते हैं जिनके एडल्ट फीड नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मे फ्लाई एंड सिल्क मोथ. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ माउथ पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीडिंग हैबिट्स, टू टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स आर कंसीडर्ड, यानी कि माउथ पार्ट्स की टू कैटेगरीज बनाई गई. टू मेन कैटेगरीज ऑफ माउथ पार्ट्स आ गई. फर्स्ट इज मैंडिबुलेट टाइप, जिसमें मेनली मैंडिबल का यूज होता है. ठीक है, तो जो मैंडिबुलेट और च्यूइंग टाइप है, इसमें क्योंकि मैंडिबल्स का यूज हो रहा है इसलिए मैंडिबल्स आर वेल डेवलप्ड एंड आर एडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग और क्रशिंग ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉकरोच एंड ग्रास होपर. सेकेंड मेन कैटेगरी है सेक्टोरियल और सकिंग टाइप.
अब क्योंकि फर्स्ट वाले मैंडिबुलेट थे, उसके अंदर मैंडिबल्स वेल डेवलप्ड थे, अब सेक्टोरियल में क्या होंगे, जो मैंडिबल्स है या तो वेस्टिजियल फॉर्म में होंगे जैसे कि बटरफ्लाईज एंड मोथ में, या मैंडिबल्स अब्सेंट होंगे फॉर एग्जाम्पल इन द हाउस फ्लाई, या मैंडिबल्स होंगे इन द ब्लेड लाइक फॉर्म जैसे कि हनी बीज में, और मैंडिबल्स आर मॉडिफाइड इनटू नीडल्स और स्टाइलेट्स जैसे कि मॉस्किटो में। अब हम ये सारी तरह के माउथ पार्ट्स को अभी हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप एंड मोड ऑफ फीडिंग द माउथ पार्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फाइव टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बाइटिंग एंड चुइंग टाइप, सेकेंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, थर्ड साइफनिंग टाइप, फोर्थ चुइंग एंड लैपिंग टाइप, एंड फिफ्थ इज स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अब मेन कंपोनेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि माउथ पार्ट्स के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पढ़े थे ना हमने पिछली बार, पिछले उसमें माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको रिमाइंड भी कराऊंगी कि क्या क्या थे। तो फर्स्ट इज मैंडिबल, फर्स्ट लेब्रम, लेब्रम हो गया अपर लिप, ठीक है। तो फर्स्ट माउथ पार्ट इज लेब्रम और अपर लिप, जिसके अंदर आ जाता है एपिफेरेक्स। सेकेंड माउथ पार्ट इज मैंडिबल्स विच इज प्रेजेंट इन वन पेयर। थर्ड इज फर्स्ट मैक्सिली विच इज आल्सो प्रेजेंट इन वन पेयर। फोर्थ इज लेबियम और लोअर लिप, इट इज आल्सो नोन एज सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिली। एंड नेक्स्ट इज हाइपोफेरेक्स। ओके, यहाँ पर थोड़े नाम ऊपर नीचे हुए हुए हैं, बट मैंने आपको सिक्वेंस में बोले हैं कि कौन कौन से माउथ पार्ट किस सिक्वेंस में है। फर्स्ट अपर लिप, सेकेंड मैंडिबल, थर्ड फर्स्ट मैक्सिली, फोर्थ लेबियम और लोअर लिप, एंड देन हाइपोफेरिक्स। अब थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे कि माउथ पार्ट्स क्या थे जो हमने पिछली बार पढ़े थे। तो फर्स्ट हमने हल्का सा ही पढ़ाऊंगे, ज्यादा पूरा नहीं। तो फर्स्ट माउथ पार्ट इज लेब्रम और अपर लिप, इसमें जिसमें मैंने रेड पेन से टिक कर रखे हैं, हमने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को एक बार अपने दिमाग में रखना है कि हमने कौन कौन सा पार्ट, आगे जब हम टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमने कौन कौन से पार्ट्स को मेनली स्टडी करना है। तो फर्स्ट इज एपिफेरेक्स। एपिफेरेक्स क्या करता है, फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है, और जो लोअर, जो अपर लिप है, इसके इनर सरफेस में एपिफेरेक्स इज फाउंड, इट इज यूज्ड टू होल्ड द फूड। नेक्स्ट इज मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्योंकि हमने जो पढ़ने हैं माउथ पार्ट्स, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, उसमें जो वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स है हमने सिर्फ वही स्टडी करनी है, इसलिए इसमें हमने कोई भी ऐसा पार्ट याद नहीं रखना है स्टडी करते हुए कि उस टाइम पर हम माउथ पार्ट स्टडी करेंगे तो हमने मैंडिबल का क्या लिखना है। हम मैंडिबल को जस्ट मैंडिबल ही लिखेंगे, इसलिए हम इसमें कुछ भी याद नहीं रखेंगे कि हमें किसी पार्ट का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट मैक्सिली। फर्स्ट मैक्सिली में हमने एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट के नाम याद रखने हैं। एंडोपोडाइट में हमने याद रखना है लेसिनिया एंड गेलिया, एंड एक्सोपोडाइट में हमने याद करना है मैक्सिलरी पल्प एंड सेंसरी ब्रिसल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिली में हमने चार पार्ट्स याद रखने हैं फर्स्ट मैक्सिली के, लेसिनिया, गेलिया, विच आर एंडोपोडाइट्स, एंड एक्सोपोडाइट में मैक्सिलरी पल्प एंड सेंसरी ब्रिसल्स। एंड दिस इज लेबियम और लोअर लिप, जिसके अंदर फिर से हमने एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट के नाम याद करने हैं। एंडोपोडाइट में हमारा आ जाएगा ग्लोसा एंड पैराग्लोसा, एंड एक्सोपोडाइट में फिर से वही आ जाएंगे हमारे लेबियल पल्प्स विद सेंसरी ब्रिसल्स, ठीक है। और हाइपोफेरिक्स में हमने सेलाइवरी डक्ट को याद रखना है, और सेलाइवरी डक्ट का क्या काम है, इट मिक्सेस द फूड विद सेलाइवा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ पार्ट्स को। जब भी हमारे पास माउथ पार्ट्स आ जाएंगे तो ये नहीं देनी हमने डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको पांच तरह के माउथ पार्ट्स बताए, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए कि आपको याद रहे कि पार्ट्स क्या क्या हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया है। अब हम चलेंगे फर्स्ट टाइप के माउथ पार्ट्स, विच आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। आपको ये सारे नाम याद करने होंगे कि दीज टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, इतने सारे मैंने ऑर्डर लिखे हैं, अभी मैं पढ़ूंगी क्यों, क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। These are unspecialized type of mouth parts. These are found in early insects. और जितनी भी और तरह के माउथ पार्ट्स हैं, जो अदर फोर टाइप्स के माउथ पार्ट्स हैं, ये बिलीव किया जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑल द नेक्स्ट फोर माउथ पार्ट्स आर इवॉल्व फ्रॉम दिस बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स।
अनस्पेशलाइज्ड है, अर्ली इंसेक्ट्स में मिलते हैं. अब कौन कौन से इंसेक्ट्स की कौन कौन से ऑर्डर है. फर्स्ट इज ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर, ऑर्थोप्टेरा जिसमें आगे हमारे ग्रास होपर एंड लोकस. सेकेंड ऑर्डर इज डिक्टियोप्टेरा जिसके अंदर आगे कॉकरोच एंड प्रेइंग मेंटिस. नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर डर्मेपटेरा जिसमें आगे एयरविंग जिसका जूलॉजिकल नेम है फोर्फिक्यूला. ऑर्डर आइसोप्टेरा जिसमें आगे हमारे टर्माइट्स. ऑर्डर कॉलिप्टेरा जिसमें आगे हमारी बीटल्स. ऑर्डर ओडोनेटा जिसमें आ गया ड्रैगन फ्लाई. ऑर्डर हेमिप्टेरा जेंट वाटर बग आ गया इसके अंदर. नेक्स्ट इज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा जिसमें आगे सिर्फ कैटरपिलर्स. लेपिडोप्टेरा में जिस भी इंसेक्ट की लाइफ स्टेज में कैटरपिलर आते हैं वो सारे के सारे इन द ऑर्डर ओनली सिर्फ कैटरपिलर की वजह से. इंसेक्ट नहीं सिर्फ कैटरपिलर कम्स अंडर द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. ठीक है. इस टाइप के माउथ पार्ट्स के 3 सब टाइप्स हैं. फर्स्ट इज जिसमें मैंडिबल्स ग्राइंडिंग टाइप के हो तो उसको नाम दे दिया ग्राइंडिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स क्योंकि मैंडिबल्स है इसके अंदर अच्छी तरह से डेवलप्ड. वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स आर प्रेजेंट इन बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. तो फर्स्ट जिसके अंदर मैंडिबल्स ग्राइंडिंग टाइप के हो उसको कह दिया ग्राइंडिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो कि हो गए कॉकरोच एंड ग्रास होपर में. और जिसमें मैंडिबल्स ग्रास्पिंग और प्रीडेशियस टाइप के हो तो उसको नाम दे दिया ग्रास्पिंग एंड प्रीडेशियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो कि मिलेंगे मेंबर्स ऑफ ऑर्डर आइसोप्टेरा जिसमें मेनली सोल्जर एंड्स आएंगे विद स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स. ठीक है. नेक्स्ट आगे नेक्स्ट सब टाइप है जिसमें मैंडिबल्स हो सेक्टोरियल टाइप के. सेक्टोरियल टाइप के मैंडिबल्स में एक सकिंग ट्यूब होती है टू सक द जूस ऑफ द प्रे इसीलिए इसका नाम रख दिया ड्यू टू दिस सकिंग ट्यूब द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इज सेक्टोरियल टाइप इन विच मैंडिबल्स आर सेक्टोरियल टाइप. सकिंग ट्यूब की टाइप में सकिंग ट्यूब की फॉर्म में मैंडिबल्स आर प्रेजेंट सिकल शेप्ड के होते हैं. अब इन मैंडिबल्स की वेंट्रल साइड पर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो जिस तरफ ग्रूव होगी उसी तरफ की मैक्सिली उसके अंदर फिट हो जाएगी. तो मैक्सिली इज सिलेंडर एंड फिट इनटू द ग्रूव ऑफ देयर ऑन साइड. ग्रूव कौन सी होगी मैंडिबल्स की ग्रूव. उस ग्रूव के अंदर जाकर मैक्सिली फिट हो जाएगी. ठीक है. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट टाइप के आगे टाइप सेकेंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स विच आर प्रेजेंट मेनली इन द हनी बीज एंड वास्प ऑफ ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा. ठीक है. इनके जो माउथ पार्ट्स हैं दीज आर मॉडिफाइड. क्यों मॉडिफाई हुए बिकॉज दे हैव टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड टू मोल्ड द वैक्स. उनको अपना हनी कॉम भी बनाना होता है तो हनी कॉम को बनाने के लिए उनको वैक्स की जरूरत पड़ती है. फिर हनी कॉम को आपने देखा होगा हेक्सागोनल शेप के होते हैं तो उनको उसको वैक्स को मोल्ड करके हनी कॉम की शेप में भी लाना होता है. तो these mouth parts are used to collect nectar and pollens from the flowers and to mold the wax. two functions ki wajah se mouth parts are modified in the honeybees and wasp. the mouth parts are used for both chewing and licking of food. theek hai. to ab humne iska ye diagram study karna hai. to first hum iska dekhenge ki diagram mein first number pe humne padhna hai mouth parts. first mouth part hai hamare labrum aur upper lip. aap इस डायग्राम में देखो लेब्रम कहां पर है. ठीक है. लेब्रम पे नजर गई साथ में ही मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. तो जो लेब्रम और अपर लिप है इसका इट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड प्लेट. इट लाइज बिलो द क्लाइपियस. आप देखोगे कि जो येलो पोर्शन से मैंने दिखा रखा है हेड वाले उसमें दैट वाज क्लाइपियस. ठीक है. ऐसे तो एंटीना भी लिखे हुए हैं कंपाउंड आई भी शो कर रखी है ओसिलाई भी शो कर रखी है बट हमने इन पर ध्यान नहीं देना. हमने जो ध्यान देना इनके माउथ पार्ट्स पे ध्यान देना. इसीलिए जिनको मैंने लेबलिंग को बॉक्स के अंदर डाला है सिर्फ आपने उसी लेबलिंग को देखना है क्योंकि हमने सिर्फ उतनी ही लेबलिंग याद करनी है जो कि माउथ पार्ट्स में इंक्लूड हो. ठीक है. तो फर्स्ट है लेब्रम और अपर लिप. इट इज शॉर्ट. आप देखोगे ऑरेंज कलर से दिखा रखा है. क्लाइपियस के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है अपर लिप और लेब्रम ऑरेंज कलर से. इट इज शॉर्ट ब्रॉड प्लेट लाइज बिलो द क्लाइपियस. इट हैज सेंसरी एपीफेरिक्स. एपीफेरिक्स किस काम आई थी
टू होल्ड द फूड. ठीक है, इट इज द कैविटी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द अपर लिप टू होल्ड द फूड. तो इट हैज ए सेंसरी एपिफेरेक्स. सेकेंड हमारा माउथ पार्ट आता है मैंडिबल. अब आप इसके बिल्कुल लेब्रम के ऊपर देखोगे मैंडिबल, जो कि रेड कलर से मैंने शो कर रखा है. आप देखोगे साइड में स्पाइक सी निकली हुई है, दीज आर मैंडिबल्स रेड कलर से. तो मैंडिबल कैसे है, स्पून शेप्ड. जैसे स्पून होता है सेम उस शेप में, स्पून शेप में स्मूथ एजेस में मैंडिबल्स आर प्रेजेंट. मैंडिबल्स क्या काम करते हैं, उसका फंक्शन लिखा हुआ है. चुइंग ऑफ फूड तो करती है, उसके अलावा दे मोल्ड वैक्स ड्यूरिंग द हनी कॉम्ब फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट पोलन्स. अपर लिप एंड मैंडिबल्स हेल्प्स इन चुइंग ऑफ फूड. बट मैंडिबल्स के दो और फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हनी बीज के लिए, दैट इज मोल्डिंग ऑफ वैक्स ड्यूरिंग द हनी कॉम्ब फॉर्मेशन एंड टू मैनिपुलेट द पोलन्स. ओके, तो थर्ड हमारा अब आ गया माउथ पार्ट, फर्स्ट मैक्सिली. थर्ड माउथ पार्ट इज फर्स्ट मैक्सिली. आप ऊपर देखोगे डायग्राम के ऊपर मैंने फर्स्ट मैक्सिली के तीन पार्ट्स लिख रखी हैं. हमने ये तीन पार्ट्स इसके अंदर स्टडी करने हैं डायग्राम के अंदर. फर्स्ट इज लेसिनिया. ठीक है, अब आप इसमें ढूंढो लेसिनिया का है, जो मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है लेसिनिया एंड मैक्सिलरी पल्प. ठीक है, मैंडिबल्स के बिल्कुल ऊपर लेसिनिया एंड मैक्सिलरी पल्प. लेसिनिया इज शोन, लेसिनिया इज इन पिंक कलर. ठीक है, पिंक कलर और मैक्सिलरी पल्प ये उसके बिल्कुल साइड से छोटी सी एक स्पाइक निकल रही है पिंक कलर के बिल्कुल साइड में. देखोगे ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखी है, बिल्कुल छोटी सी है मैंडिबल्स एंड लेसिनिया के बीच में. ये इस तरह से क्यों दिखाई है, बिकॉज लेसिनिया एंड मैक्सिलरी पल्प आर रिड्यूस्ड इन साइज, इसीलिए इतनी छोटी दिखाई है. अब आप देखोगे कि पिंक कलर एंड ग्रीन कलर दोनों बिल्कुल छोटे छोटे दिखा रखे हैं. पिंक कलर वाली होगी लेसिनिया एंड ग्रीन कलर वाली होगी मैक्सिलरी पल्प. दीज आर फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिली विच आर रिड्यूस्ड इन साइज. थर्ड पार्ट हो गया फर्स्ट मैक्सिली का गेलिया. गेलिया आप नीचे देखोगे, गेलिया जो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है स्काई ब्लू कलर से, दैट वॉज गेलिया. इट इज ब्लेड लाइक. आप देखोगे किस क्लियर दिख रहा है कि इट इज ब्लेड लाइक इन शेप. ठीक है, फिर हमारा फोर्थ माउथ पार्ट आता है लेबियम और लोअर लिप. उसके अंदर हमने तीन पार्ट स्टडी करने हैं, ग्लोसा, पैराग्लोसा एंड लेबियल पल्प. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ग्लोसा. आप देखोगे नीचे पिंक कलर से मैंने एक टेल सी बना रखी है. ग्लोसा क्या होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद है. ग्लोसी ऑफ जो लेबियम है लोअर लिप का जो ग्लोसी है, इट इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर. तो जो नीचे मैंने पिंक कलर से टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दैट वाज एक्चुअली टंग ऑफ द इंसेक्ट. ओके, तो दिस इज ग्लोसी. नेक्स्ट है पैराग्लोसा. अब आप पैराग्लोसा देखोगे कि जो मैंने पैरेट ग्रीन कलर से दो स्पाइक्स निकल रही है छोटी छोटी, पैरेट ग्रीन नहीं देखोगे, पैरेट ग्रीन इज लेबियल पल्प. ठीक है, पहले लेबियल पल्प ही पढ़ लो. लेबियल पल्प जो पैरेट ग्रीन में दिख रही है आपको लंबी लंबी स्ट्राइक्स, दीज आर लेबियल पल्प, पैरेट ग्रीन कलर के हैं, दीज आर लार्ज इन साइज. ठीक है, और उसके साथ में आप देखो कि छोटी छोटी दो स्पाइक्स सी निकल रही है, दीज आर पैराग्लोसा. बिकॉज दीज आर रिड्यूस्ड इन साइज, इसीलिए ये छोटी सी बिल्कुल स्पाइक सी दिख रही है, हाइपोफेरेक्स इसमें नहीं है. एंड नेक्स्ट इज लेबिलम. आप देखोगे ग्लोसी के बिल्कुल नीचे हनी स्पून इज प्रेजेंट. हनी स्पून क्यों कहा, बिकॉज दिस इज द स्पून लाइक डिप्रेशन. जैसे जिस चम्मच से हम खाते हैं उसमें जो डिप्रेशन होता है जिसमें हमारा फूड आता है, तो ये जो लेबिलम है इट इज हनी स्पून, स्पून लाइक डिप्रेशन. ओके, तो हनी स्पून और लेबिलम इज प्रेजेंट या अटैच्ड विद द ग्लोसी ऑफ लेबियम. दिस इज द हेड ऑफ हनी बी विथ चुइंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. अपर लिप एंड मैंडिबल्स हेल्प्स इन चुइंग द फूड. आ गया इतना समझ में, ये आ गया अब हमारा टीएस ऑफ माउथ पार्ट्स. हनी बी की ही स्टडी करेंगे हम ये टीएस ऑफ माउथ पार्ट्स. अब आप इसमें देखो कि लेबियल पल्प, पहले हम पढ़ेंगे गेलिया. ठीक है, जो ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से शो हो रहा है, दैट वॉज गेलिया. गेलिया इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिली. ठीक है, और इसके अंदर पैरेट ग्रीन कलर के पड़े लेबियल पल्प.
विच इज द पार्ट ऑफ लेबियम. मैंने लिखा भी है यहाँ पर साइड में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो लेबियल पल्प एंड गेलिया एनक्लोजिस ग्लोसा लिंगुला. लिंगुला क्या थी? टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ हनी स्पून अटैच था, ठीक है. तो आप लिखोगे लेबियल पल्प पार्ट ऑफ लेबियम एंड गेलिया पार्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिली एनक्लोजिस ग्लोसी विच इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर विथ हनी स्पून एट द टिप, ठीक है. आप ग्लोसी आप देखोगे कि जो ग्लोसा है इसके अंदर एक ग्रूव है ना, कैविटी सी है. दिस कैविटी इज नोन एज फूड चैनल, ओके, जिसमें जाकर फूड इसका इकट्ठा होएगा. और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिस कलेक्टिवली फॉर्म्स अ प्रोबोसिस. प्रोबोसिस क्या करेगी? टू सक द नेक्टर. नेक्टर कैसे सक करेगी? बाय द कैपिलरी एक्शन और पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरेक्स. तो आपने गेलिया से स्टार्ट करके गेलिया, क्योंकि हमारा थर्ड माउथ पार्ट है इसलिए गेलिया पहले दिखाया है, फोर्थ वाला अंदर दिखाया है, फोर्थ किया है लेबियम, और लेबियम का पार्ट है हमारे पास लेबियल पल्प. इन दोनों ने एनक्लोज किया ग्लोसा, ठीक है, विच इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर. और टंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगी हमारी फूड कैविटी, जिसको हमने कह दिया फूड चैनल. कहां पर प्रेजेंट है? लोकेशन क्या है? मिड वेंट्रल साइड. और ये सब कलेक्टिवली फॉर्म किया प्रोबोसिस टू सक द नेक्टर बाय द कैपिलरी एक्शन और पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरिंग्स. थर्ड टाइप के माउथ पार्ट्स, इसमें सिर्फ इसमें आगे तीन चार टाइप्स के माउथ पार्ट्स आएंगे, हमें सिर्फ आपको अब एक ही कराऊंगे, बाकी हम सारा का सारा पूरा टॉपिक खत्म करेंगे कल, ठीक है. तो टाइप थ्री आगे हमारे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स. सैंग्वीवोरस इंसेक्ट्स में मिलेंगे मेनली ये, ठीक है. तो मॉस्किटोज ऑफ ऑर्डर डिप्टीरा, बैड बग्स और किसिंग बग्स ऑफ ऑर्डर हेमिप्टीरा, फ्लीज ऑफ ऑर्डर साइफनोपिटीरा एंड हेड लाउस ऑफ ऑर्डर पिथेरा पिटीरा. पिथेरा पिटीरा फाइटोफेगस इंसेक्ट्स आ गए. फाइटोफेगस थे जो कि प्लांट जूस को सक कर रहे थे. तो इसमें आगे हमारे एफिड्स, जिसमें आ गया ऑर्डर होमोप्टीरा एंड रेड कॉटन बग ऑफ ऑर्डर हेमिप्टीरा. और सॉरी, होमोप्टीरा आ गए एफिड्स के एंड रेड कॉटन बग आ गया हेमिप्टीरा का. अब इनमें क्या है कि जो माउथ पार्ट्स है ये मॉडिफाइड होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स टू फॉर्म द फूड चैनल. फूड चैनल बनाना है इनको अंदर, तो दीज माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड. क्यों? क्योंकि इनको लिक्विड फूड लेना है और फिर साथ ही सलाइवा भी इंजेक्ट करना है, ठीक है. तो लिक्विड फॉर्म ड्रॉ करने की वजह से एंड सलाइवा इंजेक्ट करने की वजह से दे हैव टू फॉर्म ए फूड चैनल. सो माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स टू फॉर्म अ फूड चैनल. और इस फूड चैनल को फॉर्मेशन करने के लिए इनके कुछ पार्ट्स टिपिकल पार्ट्स है जो लॉन्ग हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाएंगे. तो दिस रिजल्ट्स इन द इलोंगेशन ऑफ सम टिपिकल स्ट्रक्चर्स एंड लॉस ऑफ सम अदर पार्ट्स. ओके, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फूड चैनल सम पार्ट्स आर इलोंगेटेड एंड सम पार्ट्स आर लॉस्ट. अब आगे टाइप्स ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. हेमिप्टीरस, क्योंकि ऑर्डर हेमिप्टीरा के होंगे तो हेमिप्टीरस नाम दे दिया, जिसमें आगे बैड बग्स एंड सम एक्वेटिक बग्स. डिप्टीरा के हो गए तो डिप्टीरस टाइप दे दिया. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर नेम इज गिवन. तो डिप्टीरस टाइप हो गया ऑर्डर डिप्टीरा का, जिसमें हमने स्टडी करना है एनाफ्लीज मॉस्किटो को. साइफेनोप्टीरन हो गए साइफेनोप्टीरा ऑर्डर के, जिसमें आगे हमारे फ्लीज. फ्लीज आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑफ डॉग्स एंड रैट्स. एंड देन एनोफोरस टाइप, जिसमें आ गई हमारी हेड लाउस. तो आज हम जो स्टडी करेंगे सिर्फ हेमिप्टीरस टाइप करेंगे, ठीक है. तो ये आ गया हमारा हेड एंड माउथ पार्ट्स ऑफ बैड बग. बैड बग्स की स्टडी करेंगे हम इसके अंदर. इसके अंदर एपीफेरेक्स एंड हाइपोफेरेक्स आर एब्सेंट. एपीफेरेक्स हो गया लेब्रम का पार्ट टू होल्ड द फूड कैविटी एंड हाइपोफेरेक्स हो गया फिफ्थ टाइप ऑफ माउथ पार्ट. बोथ आर एब्सेंट. ओके, हेड कंपाउंड आइज एंड क्लाइपियस आपको दिख रहा है. इसके बाद हमने जो फर्स्ट माउथ पार्ट पढ़ना है दैट वाज द लेब्रम और अपर लिप. क्योंकि दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फूड चैनल, इसीलिए एपीफेरेक्स प्रेजेंट नहीं है. एपीफेरेक्स इज एब्सेंट बिकॉज लेब्रम डज नॉट पार्टिसिपेट इन फूड चैनल फॉर्मेशन. ओके,
तो सेकेंड टाइप के माउथ पार्ट्स आ गए हमारी मैंडिबल्स. आप देखोगे कि मैंडिबल्स जो मैंने शो कर रखी है, नीचे आप देखोगे स्टाइलेट सी शो कर रखी है थ्रेड लाइक, तो जो ब्लू कलर से शो कर रखी है दैट वाज मैंडिबल्स, और जो रेड कलर से शो कर रखी है दीज वर फर्स्ट मैक्सिली. ठीक है, तो फोर स्टाइलेट्स प्रेजेंट होती है हेमिप्टेरस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स में. दो स्टाइलेट्स तो होगी मैंडिबल्स की, दोनों साइड पर एक एक होगी ना, तो लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड नीडल लाइक स्टाइलेट्स आर प्रेजेंट टू पंक्चर द एरिया, क्योंकि उनको ब्लड सक करना है इसलिए एरिया को पंचर करना पड़ेगा तभी ब्लड बाहर निकलेगा. तो वो किससे करेंगे, मेनली मैंडिबल्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द पंक्चर ऑफ द एरिया. मैंडिबुलर स्टाइलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पंक्चर द एरिया. ठीक है, फिर क्या होता है, जो मैंडिबल्स हैं दीज आर ग्रूव्ड, जो इनका इनर सरफेस है दैट वाज ग्रूव्ड. जब हम इसका टीएस पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर दिखेगा कि ग्रूव कैसा है. तो इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल इज ग्रूव्ड. फिर हमारी आगे रेड कलर की जो मैंने शो कर रखी है दैट वाज द फर्स्ट मैक्सिली, ये भी नीडल लाइक स्टाइलेट्स है एंड मैक्सिलरी पल्प्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिली इज इलोंगेटेड टू फॉर्म द नीडल लाइक स्टाइलेट्स. फिर आ गया हमारा जो बीच का पोर्शन है स्टाइलेट्स के अंदर, आप देखोगे जो टंग लाइक पोर्शन है बीक टाइप बना रखा है दैट वाज द लेबियम और लोअर लिप. इट फॉर्म्स द बीक और प्रोबोसिस इन फ्रंट ऑफ द हेड. हेड के बिल्कुल नीचे देखोगे तो इन फ्रंट ऑफ द हेड ही हो गया ये. ठीक है, और ये जो लोअर लिप है इट इज मॉडिफाइड इनटू थ्री जॉइंटेड रोस्ट्रम विद ए मिड डोर्सल ग्रूव. रोस्ट्रम की फॉर्मेशन हम अभी देखेंगे जब टीएस पढ़ेंगे माउथ पार्ट्स का. ठीक है, तो लोअर लिप इज मॉडिफाइड इनटू थ्री जॉइंटेड रोस्ट्रम विद ए मिड डोर्सल ग्रूव. लेबियल पल्प एब्सेंट है. फर्स्ट मैक्सिली में मैक्सिलरी पल्प्स आर एब्सेंट एंड लेबियम में लेबियल पल्प्स आर एब्सेंट. ओके, हाइपोफेरिक्स जो कि फिफ्थ माउथ पार्ट है दैट वाज एब्सेंट. नेक्स्ट आ गया ये हमारा टीएस ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ बेड बग क्लाइमेक्स. हमने इसमें जो लेबियम है आप देखोगे कि जो पिंक कलर से शो कर रखा है, हम यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. तो लेबियम और लोअर लिप, अभी हमने पढ़ा कि लेबियम इज मॉडिफाइड इनटू थ्री जॉइंटेड रोस्ट्रम. ठीक है, थ्री ज्वाइंट्स दिख रहे हैं, एक नीचे वाला और दो किनारों वाले, तो थ्री ज्वाइंटेड रोस्ट्रम. ठीक है ना, क्लियर है ना, थ्री ज्वाइंटेड रोस्ट्रम, एक नीचे वाला पार्ट और दो कॉर्नर वाले पार्ट. फिर आप देखो कि जो रोस्ट्रम है इट इज ग्रूव्ड, तो मैंने लिखा भी हुआ है जो स्काई ब्लू कलर से शो कर रखी है दैट वाज द ग्रूव ऑफ द रोस्ट्रम विच इज मिड डोर्सल. तो मिड डोर्सल ग्रूव ऑफ द रोस्ट्रम. अब ये क्या कंटेन करेगी, अभी हमने पढ़ा जो मैंडिबल्स एंड फर्स्ट मैक्सिली है इट इज स्टाइलेट्स फॉर्म में होती है. स्टाइलेट फॉर्म है ना, फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स. तो जो मैंडिबल्स एंड मैक्सिली है वो इस ग्रूव के अंदर मिलेंगे हमें इन द स्टाइलेट फॉर्म. तो फर्स्ट जो मैंने डार्क ग्रीन कलर से शो कर रखी है दीज आर टू मैंडिबल्स, दोनों तरफ एक एक हो गया डार्क कलर का, थोड़े से ब्रॉड बना रखे हैं, दीज आर द मैंडिबल्स. दिस इज प्रेजेंट इन टू स्टाइलेट्स, दोनों तरफ वन वन, ऑन बोथ साइड्स वन वन मैंडिबल इज प्रेजेंट. इसी तरह मैंडिबल्स के अंदर आप देखोगे मैक्सिली आर प्रेजेंट. ठीक है, जो पैरेट ग्रीन कलर से दिखा रखी है, तो पैरेट ग्रीन वाले हो गए मैक्सिली, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन टू स्टाइलेट्स, वन ऑन बोथ साइड्स. अब ये टोटल मिलाकर हमारी हो गई फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स, दो मैंडिबल्स की दो मैक्सिली की, तो फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स. दीज एक्ट एज द पियर्सिंग ऑर्गन्स, यही है जो कि होस्ट की बॉडी में डीप जाकर पेनिट्रेट करेंगी एंड ब्लड सक करेंगी. एंड अभी मैंने आपको पहले बता ही दिया पंक्चर इज मेनली फॉर्म्ड बाय द मैंडिबुलर स्टाइलेट्स. जो मैंडिबल्स की स्टाइलेट्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंक्चरिंग द एरिया. ठीक है, अब आप देखोगे कि ऊपर रेड कलर से मैंने शो कर रखा है, रेड कलर वाला हो गया अपर लिप और लेब्रम, जो कि फूड चैनल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड चैनल. ये क्या करेगा, सिर्फ जो रोस्ट्रम की ग्रूव है इसको कवर करने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको ऊपर शो कर रखा है, बंद करके नहीं दिखाया क्योंकि हम अंदर के पार्ट दिखा रहे हैं, तो इसलिए ऊपर की तरफ दिखाया है बिकॉज इट इज यूज टू कवर द ग्रूव ऑफ द रोस्ट्रम. ठीक है,
अब हमने पढ़ लिया दो मैंडिबल्स की स्टाइलेट्स हैं, दो मैक्सिली की स्टाइलेट्स हैं। अब हमने मैंडिबल्स के अंदर मैक्सिली की स्टाइलेट्स दिखा दी। अब जो मैक्सिली के अंदर का एरिया वो स्टडी करना है, तो जो इनर सरफेस ऑफ मैक्सिली है इट इज आल्सो ग्रूव्ड। ग्रूव है इसके अंदर भी, बट देयर आर प्रेजेंट टू चैनल्स। जो ग्रूव है वो टू चैनल्स की फॉर्मेशन कर रही है। फर्स्ट इज फीडिंग केनाल, जो ऊपर से दिखा रखी है मैंने ऑरेंज कलर की, दैट वाज द फीडिंग केनाल। इट इज डोर्सल एंड लार्जर। और जो नीचे ट्रांसपेरेंट में शो कर रखी है, दैट वाज द सेलाइवरी केनाल विच इज वेंट्रल एंड स्मॉलर। अब इनके फंक्शन क्या है दोनों केनाल्स के? जो फीडिंग केनाल है इट सक्स ब्लड और जूस बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरेक्स। और जो सेलाइवरी केनाल है कि जिस टाइम पर इंसेक्ट रेस्ट में होता है, तो एट रेस्ट बीक जो उसकी होती है, बीक लाइज बेंट अंडर द हेड इन इट। की बीक है अंदर लाई करेगी अंडर द हेड। और अब हम चलेंगे डिप्टेरस टाइप, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप की सेकंड टाइप सब टाइप आ गई डिप्टेरस टाइप, जिसमें हमने फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो के माउथ पार्ट पढ़ने हैं। ओके, मेल्स का हम डायग्राम नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर मैंडिबल्स एंड मैक्सिली आर एब्सेंट, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई प्लांट जूसेस पर फीड करते हैं जो मेल मॉस्किटो हैं, वो प्लांट जूसेस पर फीड करते हैं, सो मैंडिबल्स एंड मैक्सिली बोथ आर एब्सेंट। और जो हाइपोफेरिक्स होता है मेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स का, इट इज फ्यूज विद द लोअर लिप और लेबियम, ठीक है। इसलिए जो हम माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू वो फीमेल मॉस्किटो का पढ़ेंगे, और फीमेल में भी आपकी बुक में क्यूलेक्स मॉस्किटो का बना हुआ है। वैसे एनोफिलीज और इसके दोनों के सेम होते हैं, बट उन्होंने स्पेशली क्यूलेक्स मॉस्किटो का लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप देखोगे कि इसमें इसका हेड दिखा रखा है, क्योंकि डायग्राम में इन्होंने हेड प्लस माउथ पार्ट्स लिखे हैं, तो हेड के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है। हेड में कंपाउंड आई दिखा रखी है, क्लाइपियस दिखा रखा है एंड एंटीनास दिखा रखी है, लेकिन हमने इन चारों चीजों को नहीं पढ़ना, हम सिर्फ माउथ पार्ट्स पर फोकस करेंगे। तो माउथ पार्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप देखोगे कि मस्टर्ड कलर के पेन से जिसको कलर कर रखा है, दैट वाज द लेब्रम, ठीक है। लेब्रम एंड एपिफेरेक्स दोनों फ्यूज हो जाएंगे। लेब्रम मतलब अपर लिप एंड एपिफेरेक्स दोनों के दोनों फ्यूज, आपस में फ्यूज्ड है। अदरवाइज एपिफेरेक्स क्या था? फूड कैविटी थी जिसके अंदर फूड को होल्ड करके रखा हुआ था, वो जो इंसेक्ट है वो फूड को होल्ड करके रखेगा एपिफेरेक्स में, बट हियर लेब्रम एंड एपिफेरिक्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। दोनों फ्यूज हो गए टू कवर द मिड डोर्सल ग्रूव ऑफ लेबियम। लेबियम की जो मिड डोर्सल ग्रूव बनी हुई है उसको कवर करने के लिए लेब्रम एंड एपिफेरिक्स बोथ आर फ्यूज्ड, ठीक है। अब लेब्रम क्या है? अब लेब्रम के बारे में सुन लो। लेब्रम इज लॉन्ग नीडल लाइक, आप देखोगे कि नीडल लाइक है, ये लॉन्ग है एंड नीडल लाइक। लेब्रम इज लॉन्ग नीडल लाइक एंड इट हैज ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऑन इट्स वेंट्रल साइड। जो उसकी वेंट्रल साइड पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो एक्ट एज ए फूड चैनल। ओके, तो वेंट्रल साइड पर इसके पास एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है विच एक्ट लाइक ए फूड चैनल। तो दिस इज ऑल अबाउट लेब्रम एंड एपिफेरिक्स। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड माउथ पार्ट, दैट इज मैंडिबल्स, ठीक है। अब आप ग्रीन कलर से देखोगे कि डार्क ग्रीन कलर से मैंने मैंडिबल्स शो कर रखी है, दो टू नीडल लाइक स्टाइलेट्स है, ठीक है। इसीलिए हमने नीडल लाइक बनाई है, बिल्कुल पॉइंटेड नीडल लाइक टू स्टाइलेट्स टू पियर्स द स्किन ऑफ द होस्ट, ताकि वो उसके अंदर अपने एंटीनास को डाल सके, उसका मैंडिबल्स सॉरी मैंडिबल्स को डालकर उसका ब्लड सक कर सके। तो मेन जो पियर्सिंग ऑर्गन है दैट वाज मैंडिबल्स। नेक्स्ट आप देखोगे कि पैरेट ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखे, दैट वाज द थर्ड माउथ पार्ट, दिस इज फर्स्ट मैक्सिली। अगेन दीज आर नीडल लाइक टू स्टाइलेट्स टू पियर्स द स्किन ऑफ द होस्ट। ओके, अब आप साइड में देखोगे कि रेड कलर से मैक्सिलरी पल्प दिखा रखी है, तो मैक्सिलरी पल्प इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिली। ओके, तो फर्स्ट मैक्सिली के पास क्या प्रेजेंट है? मैक्सिलरी पल्प्स आर प्रेजेंट। तो ये तीन माउथ पार्ट हो गए। फोर्थ आ गया हमारा लोअर लिप, ब्लू कलर से जो स्काई ब्लू कलर से शो कर रखा है, दैट वाज द लेबियम और लोअर लिप, ठीक है। तो लोअर लिप क्या काम करते हैं? इट एक्ट्स एज प्रोबोसिस शीट, प्रोबोसिस की शीट का काम करेगा एंड फॉर्म ए ग्रूव रोस्ट्रम।
ओके अब क्या है कि आप लेबियम के बिल्कुल एंड पर देखोगे तो एक छोटा सा लोब बना हुआ है. दिस लोब इज एक्चुअली दिस इज पेयर ऑफ लोब्स. ओके तो इसको हमने लोब्स को कह दिया, जो मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर से दिखा रखा है दैट वाज लेबिली. लेबिली क्या है? दीज आर द पेयर ऑफ लोब्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लेबियम. ठीक है तो लेबियम के जो बिल्कुल एंड पर टिप पर जो लोब प्रेजेंट है दैट वाज लेबिली. दीज आर यूज एज फिलर्स. ठीक है एंड हेल्प्स टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द विक्टिम. हेल्प करेगा कि हमने किस पार्ट पर मैंडिबल्स को पियर्स करना है होस्ट की स्किन के अंदर, उस पार्ट को ये सिलेक्ट करेगा. कौन सिलेक्ट करेगा? लेबिली. ठीक है इसीलिए दीज आर यूज एज फिलर्स, फील करने के लिए कि यहाँ पर हमें पियर्सिंग करनी है. मॉस्किटो ये सोचेगा कि यहाँ इस पार्ट में हमें बॉडी के इस पार्ट पर पियर्सिंग करनी है. ओके तो फोर माउथ पार्ट हो गए. फिफ्थ आ गया हाइपोफेरेक्स, जो कि पर्पल कलर से शो कर रखा है दैट वाज हाइपोफेरेक्स. फिर देखोगे कि लॉन्ग एंड पॉइंटेड है. ठीक है इट हैज ए मिड डोर्सल ग्रूव फॉर डाउनवर्ड सलाइवा. और ये जो फूड चैनल बना था लेब्रम एंड एपीफेरेक्स के फ्यूजन से जो एक फूड चैनल बना था उसको वेंट्रली ये क्लोज करेगा हाइपोफेरेक्स. तो इट क्लोजेस फूड चैनल वेंट्रली, वेंट्रल साइड से ये फूड चैनल को क्लोज कर देगा. ओके क्लियर है ये. अब हम चलेंगे टीएस ऑफ माउथ पार्ट्स. अब इसके माउथ पार्ट्स का टीएस पढ़ना है हमने. तो फर्स्ट हमने पढ़ा ही है कि लेब्रम एपिफेरेक्स एंड लेब्रम आर फ्यूज्ड. फिर से वही सेम है कि भी दोनों फ्यूज कर जाएंगे टू कवर द मिड डोर्सल ग्रूव ऑफ लेबियम. आप देखोगे कि नीचे लेबियम बना हुआ है, उसकी जो ग्रूव है उस ग्रूव के अंदर रेड कलर का जो मैंने पार्ट दिखा रखा है दैट वाज एपिफेरेक्स. ठीक है और जो सर्कल में सी शेप का येलो या मस्टर्ड कलर से दिखा रखा है दैट वाज लेब्रम. तो आप देखोगे कि लेब्रम एंड एपिफेरेक्स आर फ्यूज्ड. ठीक है अलग अलग, बीच में कोई इनका डिस्टेंस नहीं है, दोनों के बीच में दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं. तो इसीलिए एपिफेरेक्स एंड लेब्रम आर फ्यूज्ड. ठीक है टू कवर द मिड डोर्सल ग्रूव ऑफ लेबियम. आप देखोगे कि ग्रूव को इन्होंने कवर कर रखा है. ठीक है क्लियर है ये. और लेब्रम क्या है? दिस इज लॉन्ग नीडल लाइक एंड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड चैनल. फूड चैनल की पार्टिसिपेशन कैसे की? कि जो लेब्रम की ग्रूव है, आप देखोगे कि लेब्रम की जो ग्रूव है उसी के अंदर फूड चैनल पड़ा हुआ है. दिख रहा है येलो कलर से जो मैंने शो कर रखा है दैट वाज द फूड चैनल. तो लेब्रम की जो ग्रूव है उसके अंदर फूड चैनल पड़ा हुआ है. तो फूड चैनल क्या है? सबसे पहले तो जो इसकी ग्रूव है दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड चैनल. और फूड चैनल क्या? इट इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ लेब्रम. अब हमने क्या पढ़ना है? मैंडिबल्स एंड मैक्सिली. हमने पढ़ा था कि टू मैंडिबल्स किस फॉर्म में होते हैं? टू नीडल लाइक स्टाइलेट्स. इसी तरह मैक्सिली टू नीडल लाइक स्टाइलेट्स. तो टोटल फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स हो गई. एक मैंडिबल्स की जो दो स्टाइलेट्स है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड. ठीक है ना, तो दोनों तरफ प्रेजेंट होगी. तो जो मैंने इंक ब्लू कलर की दिखा रखी है देखोगे आप दैट वाज द मैंडिबल्स. और जो थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू कलर की दिखा रखी है दैट वाज मैक्सिली. ओके तो दीज आर द फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स टू पियर्स द स्किन ऑफ द होस्ट. नीचे ये लेबियम है, मैंने अभी बताया इसकी ग्रूव को कवर करने के लिए एपिफेरेक्स एंड लेब्रम आपस में फ्यूज हो जाते हैं. तो दिस इज लेबियम और लोअर लिप विद ग्रूव्ड रोस्ट्रम. ठीक है अब हमने चलना है फोर्थ माउथ पार्ट की तरफ, फिफ्थ माउथ पार्ट की तरफ विच इज हाइपोफेरेक्स. हाइपोफेरेक्स आप बीच में देखोगे कि मैंने स्लाइवरी ग्रूव बना रखी है पैरेट ग्रीन कलर की, उसके साथ ब्लू कलर से मैंने हाइपोफेरेक्स शो कर रखा है. तो हाइपोफेरेक्स क्या था? लॉन्ग एंड पॉइंटेड विद मिड डोर्सल ग्रूव फॉर सलाइवा. सलाइवा के लिए ग्रूव क्यों है? क्योंकि सलाइवरी ग्रूव से सलाइवा हाइपोफेरेक्स में जाएगा. ठीक है तो सलाइवरी ग्रूव क्या है? सलाइवरी ग्रूव क्या करेगी? जो फूड चैनल बना था हमारा उसको क्लोज करेगी वेंट्रली. इसलिए सलाइवरी ग्रूव बनी टू क्लोज द फूड चैनल वेंट्रली. और जो मैंडिबल्स एंड मैक्सिली है दीज लाई विद इन द प्रोबोसिस. प्रोबोसिस के अंदर ही अंदर मिलेंगे मैंडिबल्स एंड मैक्सिली, क्योंकि प्रोबोसिस से ही क्या थे वो प्रोबोसिस से ही ये पियर्स कर सकेंगे स्किन को. ओके प्रोबोसिस हेल्प करेगा पियर्सिंग ऑफ स्किन ऑफ द होस्ट. होस्ट की स्किन के अंदर जाएगा दैट वाज द प्रोबोसिस पार्ट ऑफ
मॉस्किटो और उस प्रोबोसिस पार्ट में मिलेंगे मैंडिबल्स एंड मैक्सिली जो कि फोर नीडल लाइक स्टाइलेट्स है टू पियर्स द स्किन ऑफ द होस्ट. ओके थर्ड सब टाइप, थर्ड होगी साइफनोप्टेरन टाइप जो कि फ्लीज के अंदर मिलेंगी. ओके इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि इसकी डिटेल नहीं दी हुई, आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, माउथ पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. लेबियम, इसका लेब्रम एंड एपिफेरेक्स है. लेब्रम मतलब अपर लिप एंड एपिफेरेक्स बोथ आर फ्यूज टू कवर द मिड डोर्सल ओपनिंग ऑफ द लेबियम, जैसे कि अभी हमने डिप्टीरस में पढ़ा. ठीक है उसमें भी दोनों फ्यूज कर गए थे टू कवर द मिड डोर्सल ओपनिंग ऑफ लेबियम. ठीक है लेबियम क्या है, लेबियम फॉर्म्स ए होलो प्रोबोसिस विद ए मिड डोर्सल ग्रुप जैसे कि उसमें था डिप्टीरस में. अब मैंडिबल्स, दीज आर ए पेयर ऑफ लॉन्ग स्टाइलेट्स विद सीरेटेड एजेस. ठीक है अब इसके अंदर जो मैंडिबल्स हैं उसकी जो एजेस है सीरेटेड है जबकि उसके अंदर लॉन्ग एंड पॉइंटेड थे. ठीक है कोई सीरेटेड टाइप का एज नहीं था. सीरेटेड मतलब पता है ना वो आप लोगों को सीरेटेड का क्या मतलब है, जैसे चाकू के ऊपर वो काटने के लिए बने हुए होते हैं या कैंची के ऊपर जो काटने वाली जगह पर बने होते हैं, दैट वाज द सीरेटेड एजेस. और मैंडिबल्स दे लाई विद इन द प्रोबोसिस. ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब टाइप इज एनोफोरस टाइप. एनोफोरस टाइप हेड लाउस में मिलेगी. सारे के सारे माउथ पार्ट सिमिलर हैं लाइक द बैड बग, सिर्फ जो एक्सेप्शंस हैं हम उसमें सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, अदरवाइज सारे के सारे माउथ पार्ट दीज आर सिमिलर टू द हेमिप्टेरस टाइप ऑफ माउथ पार्ट. तो इसमें क्या है कि भाई टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बक्कल डेंटाइन. इट इज प्रेजेंट, किस लिए प्रेजेंट है, ताकि लाउस हमारे हेड को एंकर कर सके, पकड़ के रख सके, गिर ना जाए वहां से, हिलती नहीं है वो. आप देखोगे कि हेड के अंदर जो लाउस होती है उसको बड़ी मुश्किल से खींच के पकड़ के लाना पड़ता है क्योंकि उसने टूथ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बक्कल डेंटाइन से हमारे हेड को एंकर करके अच्छी तरह से पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है तो ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के टाइम पर वो, और वो फीड करती ही रहती है अक्सर लाउस ना, तो वो बड़ी उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है हमारे हेड में. तो दिस बक्कल डेंटाइल डेंटिकल हेल्प्स द लाउस टू एंकर इट्स हेड टू होस्ट स्किन ड्यूरिंग फीडिंग. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो एक पाउच में होते हैं जिसको कहते हैं स्काइल सैक, और दिस इज प्रेजेंट अंडर द फेरेक्स. विड्रॉ करके रखती है अपने माउथ पार्ट्स को इनमें पाउच विच इज नोन एज स्काइल सैक अंडर द फेरेक्स. तो नेक्स्ट टाइप पर अब हम चलेंगे, तीन टाइप्स हो गई हमारी. अब हम फोर्थ टाइप पर चलेंगे, स्पॉन्जिंग और लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. दीज आर प्रेजेंट इन द फ्लाइज. ठीक है फ्लाइज बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टीरा. फ्लाइज में हमारी आ गई हाउस फ्लाइज, ग्लो फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज, मेनली दीज थ्री टाइप्स ऑफ फ्लाइज. अब हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जो फ्लाइज है ये मेनली इनका फूड लिक्विड तो होएगा ही होएगा, साथ में सॉलिड फूड पर भी आप देखोगे कि हमारे सॉलिड फूड पर भी मक्खी बैठी हुई होती है. तो ये क्या करती है, सॉलिड फूड को पहले लिक्विड फूड में कन्वर्ट करेगी थ्रू देयर सलाइवा. ठीक है लिक्विड फूड में ही अपने आप ये फूड को ले पाएगी. तो दे आर यूज टू सक द लिक्विड फूड बिकॉज सॉलिड फूड इज फर्स्ट लिक्विफाइड बाय देयर सलाइवा एंड देन दे सक दिस लिक्विफाइड फूड. ठीक है लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि पहले ये सॉलिड फूड को लिक्विफाई करेंगी थ्रू देयर सलाइवा एंड देन सक दैट लिक्विफाइड फूड. ओके इसीलिए इनकी स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स है. मॉडिफिकेशंस क्या है इनके माउथ पार्ट्स की, मैंडिबल्स अब्सेंट है क्योंकि अब इनको पियर्सिंग नहीं करनी किसी भी चीज में फूड को फीड करने के लिए, सो मैंडिबल्स आर अब्सेंट. फर्स्ट मैक्सिली में सिर्फ मैक्सिलरी पल्प्स आर प्रेजेंट. और लेबियम में मेनली लेबियम में इनकी मॉडिफिकेशन होती है यानी कि लोअर लिप में टोटल मॉडिफिकेशन होगी. तो जो लेबियम है इट इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग फ्लैशी रिट्रेक्टाइल प्रोबोसिस. रिट्रेक्टाइल मतलब ये विड्रॉ कर सकते हैं अपने प्रोबोसिस को. ठीक है तो रिट्रेक्टाइल मतलब टू विड्रॉ. तो इनका जो लेबियम है वो कैसा है, लॉन्ग एंड फ्लैशी और साथ में उसके पास प्रोबोसिस भी है रिट्रेक्टाइल नेचर का, यानी कि रिट्रेक्टाइल मतलब दे कैन विदड्रॉ देयर प्रोबोसिस. अब लेबियम के थ्री पार्ट्स हैं. ओके फर्स्ट पार्ट इज बेसी प्रोबोसिस और रोस्ट्रम.
बेसी प्रोबोसिस भी कह सकते हैं, रोस्ट्रम भी कह सकते हैं. दिस इज द प्रोक्सिमल कॉनिकल पार्ट. सेकेंड पार्ट आ गया मेडी प्रोबोसिस, क्योंकि प्रोबोसिस में मेनली मॉडिफिकेशन हो रही है ना इसकी, लेबियम में प्रोबोसिस ही मिल रहा है, तो इसका सेकेंड क्या हो गया, मेडी प्रोबोसिस और यूस्टेलम. यूस्टेलम मिडल पार्ट हो गया विथ फूड चैनल. जो फूड चैनल है वो इस यूस्टेलम में मिलेगी, विच इज द मेडी प्रोबोसिस. थर्ड पार्ट इज डिस्टी प्रोबोसिस विच एक्ट्स लाइक सकर और लेबिलम और ओरल डिस्क. तो इसके कई सारे नाम हो गए डिस्टी प्रोबोसिस के, सकर, लेबिलम और ओरल डिस्क. दिस इज द डिस्टल पार्ट विथ सीडोट्रेकिया. सीडोट्रेकिया इसी के पास प्रेजेंट है. सीडोट्रेकिया के थ्रू ही वो लिक्विफाइड फूड को सर्व कर सकेंगे. सो दे हैव सीडोट्रेकिया टू सर्व द लिक्विड फूड. तो सीडोट्रेकिया कहाँ मिले, डिस्टल पार्ट पे, विच इज डिस्टी प्रोबोसिस. का ये डायग्राम आ गया माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई. ओके, तो फर्स्ट हम चलेंगे लेबरम से, लेबरम एंड एपिफेरेंस. तो याद करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए आप जहां पर लेबलिंग करते हो वहां पर 1, 2, 3 लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले मैंने इस पार्ट को डिस्क्राइब करना है, फिर सेकेंड पार्ट को डिस्क्राइब करना है. मैंने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लेबलिंग के साथ साथ लिखी हुई है, ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए. अदरवाइज पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप याद करते हो तो आपको मुश्किल पड़ती है याद करने में. सो आप कोशिश करो कि जिस टाइम पर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, उसकी लेबलिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन को याद कर लो. और लिखने के टाइम पर फिर उसको नीचे की तरफ लिखो, साथ में मत लिखना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन लेंथी भी लगेगा. आप याद करने के लिए आप इस तरह से याद करो, बट लिखने में आप नीचे की तरफ चाहे लेबलिंग करके करो कि लेबरम एंड एपिफेरेक्स लिखा, और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो. हाइपोफेरेक्स लिख रहे हो, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है. और कोशिश करो कि जब भी माउथ पार्ट्स को डिस्क्राइब करो, सीक्वेंस में करो. जैसे फर्स्ट हमारे पास लेबरम आता है, तो पहले हम लेबरम को ही डिस्क्राइब करेंगे. सेकेंड हमारे पास मैंडिबल्स आते हैं, तो हम मैंडिबल्स को ही डिस्क्राइब करेंगे. अब इसके अंदर मैंडिबल्स आर एब्सेंट, तो मैंडिबल लिखकर मैंडिबल्स आर एब्सेंट, वो हमने वैसे पहले ही बता दिया कि मैंडिबल्स आर एब्सेंट. ओके, तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे लेबरम एंड एपिफेरेक्स. तो फर्स्ट लेबलिंग है हमारी लेबरम एंड एपिफेरेक्स. आप देखोगे कि लेबरम एंड एपिफेरेक्स मैंने ब्लू कलर से जो दिखा रखा है, दैट वाज दिख रहा है लेबरम एंड एपिफेरेक्स जो स्काई ब्लू कलर से है, दैट वाज लेबरम एंड एपिफेरेक्स. दिस इज फ्यूज्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग फ्लैट प्लेट विच कवर्स द फूड चैनल. ठीक है, फ्यूज हो गए दोनों, लॉन्ग फ्लैट प्लेट से दिख रही है फूड चैनल को, ये कवर करते हैं. सेकेंड आगे हमारा आप देखोगे, सेकेंड में हम पढ़ेंगे मैंडिबल्स आर एब्सेंट, तो मैंडिबल्स तो है ही नहीं. तो अब हम थर्ड माउथ पार्ट की तरफ मूव करेंगे, विच इज फर्स्ट मैक्सिली. जो फर्स्ट मैक्सिली है, इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द मैक्सिलरी पल्प. तो आप ऊपर येलो कलर में देखोगे दो स्पाइक्स ही निकली हुई है, दीज आर मैक्सिलरी पल्प विच रिप्रेजेंट्स फर्स्ट मैक्सिली. तो फर्स्ट मैक्सिली सिर्फ मैक्सिलरी पल्प के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जा रही है, इसमें हमने और कुछ नहीं शो करना. ठीक है, तो तीन माउथ पार्ट्स हो गए. फोर्थ माउथ पार्ट है लेबियम, विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. ठीक है ना, तो अब हमने इसके तीन पार्ट्स पढ़ने हैं. तीन पार्ट्स में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जो सलाइवरी डक्ट और हाइपोफेरेक्स दिख रहा है, पहले ये बता देती हूँ, विच इज द लास्ट माउथ पार्ट. पहले हाइपोफेरेक्स देख लो, लेबरम एंड एपिफेरेक्स के बिल्कुल नीचे रेड कलर से शो कर रखा है हाइपोफेरेक्स, विच इज द फिफ्थ माउथ पार्ट. ठीक है, डबल एज्ड है, ब्लेड लाइक प्लेट है, ब्लेड की शेप की होती है, एंड इट लाइज इन द ओरल ग्रुप, ओरल और लेबियल ग्रुप. अब इसको मैंने पहले क्यों डिस्क्राइब करा, क्योंकि जो लेबियम है इसकी एक ग्रूव होती है, उस ग्रूव के अंदर दिस हाइपोफेरेक्स लाइज. ठीक है, इसलिए ये मैं पहले बता रही हूँ आपको कि इट लाइज इन द ओरल और लेबियल ग्रूव. अब इसके पास क्या है, हाइपोफेरेक्स के पास सलाइवरी डक्ट प्रेजेंट है, जो मैंने ऊपर शो कर रखी है सबसे ऊपर पर्पल कलर से. ठीक है, तो हाइपोफेरेक्स के अंदर लाई करेगी सलाइवरी डक्ट. हमने लिखा स्लाइवरी डक्ट एनक्लोज्ड इन द हाइपोफेरेक्स. ठीक है, फेरेक्स पैरेट ग्रीन कलर से दिखा रखा है, बट उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना. ओके, अब हम आ जाते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लेबियम. क्या है इसका, रोस्ट्रम.
प्रोक्सीमल पार्ट और बेसी प्रोबोसिस जिसको कह दिया रोस्ट्रम। तो अब हम रोस्ट्रम की तरफ मूव कर रहे हैं, दिख रहा है येलो कलर का पार्ट दिखा रखा है रोस्ट्रम विच इज द प्रोक्सीमल कॉनिकल पार्ट बेसी प्रोबोसिस विथ अनजॉइंटेड मैक्सिलरी पल्प्स। जो मैक्सिलरी पल्प्स है वो रोस्ट्रम से ही एराइज होंगे। ओके, तो इनके पास अनजॉइंटेड मैक्सिलरी पल्प्स है। आप देखोगे कि ज्वाइन नहीं किए हुए दोनों मैक्सिलरी पल्प, दोनों सेपरेट दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं, दोनों सेपरेट हैं, अनजॉइंटेड, ज्वाइंटेड नहीं है। ओके, फिर सेकेंड पार्ट मिडल पार्ट आ गया प्रोबोसिस का होस्टेलम, ग्रीन कलर से जो शो कर रखा है, डार्क ग्रीन कलर से, दैट वाज यूस्टेलम। दिस इज द मिडल पार्ट, हार्ट शेप का है। दिस इज एन हार्ट शेप प्लेट विच इज नॉन एज थीका और मेंटम। इसी ह्यूस्टेलम के अंदर फूड चैनल मिलेगी। ठीक है, तो ह्यूस्टेलम बियर्स फूड चैनल। अब ये लेबियल ग्रूव शो कर रखी है ब्लैक कलर से। अभी हमने पढ़ा ना कि हाइपोफेरिक्स कहाँ मिलेगा, लेबियल ग्रूव में और ओरल ग्रूव में। तो दिस ब्लैक कलर बिल्कुल हाइपोफेरिक्स के साथ जो ब्लैक कलर से शो कर रखी है, दैट वॉज द लेबियल और ओरल ग्रूव विच एनक्लोजेस हाइपोफेरिक्स। ओके, अब हमने सीडो ट्रेकिया पढ़ना है यानी कि डिस्टी प्रोबोसिस पढ़ना है। तो डिस्टी प्रोबोसिस के लिए नीचे वाले पार्ट में चलेंगे जहां पर हमने सीडो ट्रेकिया लिखा है। सीडो ट्रेकिया आर एनक्लोज्ड इन ए स्पॉन्जी ओरल लोब्स। आप देखोगे कि ये किडनी शेप्ड में बनी हुई है जो ओरल लोब्स, जो कि बाहर सीडो ट्रेकिया के बाहर जो ट्रांसपेरेंट सा दिखा रखा है व्हाइट कलर का, दैट वॉज द स्पॉन्जी ओरल लोब्स। दीज आर ब्रॉड फ्लैटेंड एंड ओवल शेप। इसी स्पॉन्जी ओरल शेप के अंदर हमें मिलेगा सीडो ट्रेकिया। ठीक है, तो सीडो ट्रेकिया कहाँ मिला हमें, जो मैंने अंदर येलो कलर से दिखा रखा है, दैट वॉज द सीडो ट्रेकिया। दिस इज ए सीरीज ऑफ चैनल्स इन द ओरल लोब्स। सीरीज ऑफ चैनल्स है ओरल लोब्स के अंदर। दे हैव ए डबल रो ऑफ टाइनी पोर्स टू सक द लिक्विड फूड। पीछे अभी हमने पढ़ा था कि सीडो ट्रेकिया के थ्रू ही वो अपने लिक्विफाइड फूड को सक कर सकेंगे। तो इसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं डबल रो में टू सक द लिक्विड फूड। ठीक है, फिर सीडो ट्रेकिया जब कन्वर्ज हो जाएगा तो सीडो ट्रेकिया, अब आप माउथ की तरफ देखो, माउथ बना हुआ है इसमें बीच में रेड कलर का। तो जहां पर सीडो ट्रेकिया आपस में कन्वर्ज होंगे, दैट वॉज द माउथ। दिख रहा है सीडो ट्रेकिया के बीच में मैंने रेड कलर का एक डॉट दिखा रखा है, दैट वॉज द माउथ। तो सीडो ट्रेकिया कन्वर्ज इनटू माउथ विच लाइज बिटवीन द टू ओरल लोब्स। दिख रहा है ना, टू ओरल लोब्स के बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है माउथ। ठीक है, एंड इट लीड्स इनटू द फूड चैनल। अब माउथ के पास क्या प्रेजेंट है, ऊपर देखोगे कि मैंने जो सर्कल में दिखा रखा है, माउथ के पास क्या है प्रेजेंट, प्रीस्टोमल टीथ। तो स्मॉल प्रीस्टोमल टीथ आर प्रेजेंट नियर द माउथ विच आर यूज्ड फॉर रास्पिंग सॉलिड फूड। ठीक है, सॉलिड फूड को लिक्विफाइड फूड पे कन्वर्ट करने के लिए फॉर रास्पिंग सॉलिड फूड। ओके, पार्ट्स की तरफ चलेंगे हाउस फ्लाई के। टीएस ऑफ माउथ पार्ट्स में अभी हमने पढ़ा था कि लेब्रम एंड एपिफेरिक्स आर फ्यू। सबसे पहले तो लेबियम की ग्रूव है, देखो लेबियम की ग्रूव के अंदर उसको कवर करने के लिए पड़ा हुआ है लेब्रम एंड एपिफेरिक्स विच कवर्स द मिड डॉर्सल ग्रूव ऑफ दिस लेबियम। ठीक है, लेब्रम एंड एपिफेरिक्स दोनों फ्यूज है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो लेब्रम एंड एपिफेरिक्स फ्यूज टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड फ्लैट प्लेट, इट डॉर्सली कवर्स द फूड चैनल। बिल्कुल लेब्रम की जो ग्रूव है उसके अंदर पड़ा हुआ है फूड चैनल। तो जो लेब्रम की ग्रूव है, आप देखोगे कि लेब्रम एंड एपिफेरिक्स फ्यूज हो गए, ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं, उसके बिल्कुल नीचे उसकी ग्रूव है, जो लेब्रम की जो ग्रूव है उसमें पड़ा हुआ है फूड चैनल, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से दिखा रखा है। ठीक है, तो ग्रूव ऑफ लेब्रम एंड एपिफेरिक्स इज क्लोज्ड बाय हाइपोफेरिक्स टू फॉर्म द फूड चैनल। जो ग्रूव है आप देखोगे, ग्रूव में स्काई ब्लू कलर का फूड चैनल पड़ा और उसके बिल्कुल नीचे ब्लैक कलर का हाइपोफेरिक्स है। हाइपोफेरिक्स के अंदर आप देखोगे कि भी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। हाइपोफेरिक्स कहाँ पर था, ओरल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट था, लेबियल ग्रूव के अंदर। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि लेबियल ग्रूव एनक्लोजेस हाइपोफेरिक्स। तो जो लेबियल की ग्रूव है उसके अंदर पड़ा है हाइपोफेरिक्स, और हाइपोफेरिक्स के अंदर पड़ा है सलाइवरी डक्ट, जो कि मैंने अंदर व्हाइट से कलर में शो कर रखा है। ठीक है,
पर्पल कलर से शो कर रखी है लेबियल ग्रूव. लेबियल ग्रूव के पास क्या है? हाइपोफेरेक्स. हाइपोफेरेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिलेवरी डक. बिल्कुल हाइपोफेरेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? हाइपोफेरेक्स को कवर किसने कर रखा है? लेब्रम एंड एपिफेरेक्स ने. और उसकी जो ग्रूव है, लेब्रम की ग्रूव जो है, उसके अंदर प्रेजेंट है फूड चैनल. ठीक है, अब फूड चैनल क्या है? मिड डोर्सल ग्रूव है. इसमें सीडो ट्रेकिया कन्वर्जेस इनटू माउथ विच लीड्स इनटू द फूड चैनल. और एंड फूड चैनल बन गया. ग्रूव ऑफ लेब्रम एंड एपिफेरेक्स इज क्लोज्ड बाय हाइपोफेरेक्स टू फॉर्म द फूड चैनल. इधर हाइपोफेरेक्स है, पीछे हम पढ़ी चुकी है. इट इज डबल एज्ड ब्लेड लाइक प्लेट विद सलाइवरी डक्ट. इट लाइज विद इन द ओरल लूप. ठीक है, अब प्रोबोसिस कैन बी रिट्रैक्टेड बिलो द हेड एंड विथ फोल्ड्स बिटवीन रोस्ट्रम एंड ह्यूस्टेलम. क्या होता है प्रोबोसिस को? वो रिट्रैक्ट कर सकता है हेड के बिलो एंड विथ फोल्ड्स, मतलब थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, जैसे विल्टिंग होती है उसी तरह से विथ फोल्ड्स हो जाती है बिटवीन द रोस्ट्रम एंड ह्यूस्टेलम. प्रोबोसिस कैन बी रिट्रैक्टेड इन बिटवीन द रोस्ट्रम एंड ह्यूस्टेलम. टाइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. Typhoning type of mouth parts are present in the order Lepidoptera, which contains butterfly, moths, mandibles. इसके अंदर भी absent है. If present, then they are greatly reduced in size. यानी कि degenerated form में present है इसके अंदर mandibles. Okay? या तो absent है या reduced है. तो आप देखोगे कि इसका हेड एंड माउथ पार्ट्स में ही, मेनली हम माउथ पार्ट्स के साथ हेड पार्ट्स भी शो करते हैं. तो हेड एंड कंपाउंड आईज दिख रही है बड़े आराम से. के लेब्रम क्या है? लेब्रम आप देखोगे कि रेड कलर से मैंने शो कर रखा है. बिल्कुल हेड के बिल्कुल नीचे आप येलो पोर्शन के नीचे रेड कलर देखोगे, दैट वॉज द लेब्रम यानी कि अपर लिप. इट इज रिड्यूस्ड इनटू ए नैरो ट्रांसवर्स बैंड. बिल्कुल नैरो बन जाता है एक बैंड की तरह बीच में लेब्रम. ओके, पहले आप ये लेबियल पल्प भी पढ़ लो इसके साथ. लेब्रम के बिल्कुल साइड से निकल रहे हैं लेबियल पल्प विच आर थ्री जॉइंटेड. देखो मैंने नंबरिंग भी कर रखी है 1, 2, 3. तो जो लेबियल पल्प है इट इज ए पार्ट ऑफ लेबियम विच इज हाईली रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट. ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट की फॉर्म में हाईली रिड्यूस्ड है. इट कंटेन्स थ्री जॉइंटेड लेबियल पल्प. ओके, अब जो मेन पार्ट है इसका, दैट वाज द मैक्सिली पार्ट विच कंटेन्स टू गैलिए. ठीक है, तो इसके मैक्सिली पार्ट को हमने, इसका जो मैक्सिली पार्ट है इट इज हाईली मॉडिफाइड. ओके, तो उसमें भी हमने सिर्फ गैलिया पढ़ना है. तो गैलिया में हमने क्या करना है? तो आप देखोगे कि जो लेबियल पल्प है उसके नीचे से टू गैलिया अराइज. यानी कि लेब्रम से जो हमने कंटिन्यूशन में लाइन छोड़ी गैलिया की छोड़ी, तो आप देखोगे कि पहले तो दो सेपरेट सेपरेट गैलिया निकल रहे हैं, बट नीचे जाकर वो इंटरलॉक हो गए और एक सिंगल कॉइल बन गया. दिख रहे हैं ना, क्लियर है ना कि पहले तो दो सेपरेट थे, बट बाद में वो नीचे जाकर जहां पर मैंने इंटरलॉक लिखा है वहां पर वो इंटरलॉक हो गए, आपस में मिक्स हो गए, मिल गए, ज्वाइंट हो गए. तो आप देखोगे कि टू गैलिया ऑफ द मैक्सिली हाईली मॉडिफाइड इलोंगेटेड क्वाइल. ईच गैलिया इज ग्रूव्ड अलोंग इट्स इनर सरफेस एंड फॉर्म्स ए हाफ ट्यूब. दोनों गैलिया के बीच में ग्रूव है जिसकी वजह से वो दोनों सेपरेट है, दोनों हाफ ट्यूब की शेप में फॉर्म होती है, अराइज होती है स्टार्टिंग में. देन दे इंटरलॉक बाय पैक एंड सॉकेट ज्वाइंट्स टू फॉर्म प्रोबोसिस. जब वो ज्वाइंट हो जाती है देन दे फॉर्म प्रोबोसिस. प्रोबोसिस के कंप्लीट होलो ट्यूब. यानी कि जो हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म इज फर्स्ट मैक्सिली. फर्स्ट मैक्सिली में भी गैलिया पार्ट जो कि पहले सेपरेट है इनर सरफेस से, इनर सरफेस दोनों गैलिया की ग्रूव्ड है जिसकी वजह से दोनों हाफ ट्यूब की फॉर्म में अपियर होते हैं, बट एट ए पॉइंट दे आर इंटरलॉक बाय पैक एंड सॉकेट्स टू ज्वाइन द प्रोबोसिस. और फिर वो प्रोबोसिस को ज्वाइन कर जाते हैं, यानी कि वो प्रोबोसिस के साथ मिक्स हो गई, उन्होंने फॉर्म कर दी प्रोबोसिस. ठीक है, गैलिया की इंटरमिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग कह रही हूँ, ज्वाइनिंग होने से प्रोबोसिस इज फॉर्म विच इज ए कम्प्लीट होलो ट्यूब. इसके जो माउथ पार्ट्स है दीज आर हाईली स्पेशलाइज टू टेक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. क्योंकि बटरफ्लाई ने तो फ्लावर के पास ही जाना है, नेक्टर उसका सब करना है. तो इसके हाईली माउथ पार्ट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू टेक नेक्टर फ्रॉम द
फ्लावर्स. हियर मैंडिबल सब्सटेंट है इसके अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में है. ओके इसमें आपने जो पढ़ना है वो ये है कि जो मैक्सिली है दैट वाज हाईली मॉडिफाइड और जो हाउस फ्लाई थी उसके अंदर लेबियम इज हाईली मॉडिफाइड. दिस इज द टीएसओ प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई. बिल्कुल आसान सा है. टू गेलिया आपस में पहले टू गेलिया दिखा रखे हैं विच एनक्लोजेस द फूड चैनल और फिर ये आपस में फ्यूज भी हो रहे हैं. टू गेलिया विच इंटरनली हूज ग्रुप इंटरनली कंटेन्स द फूड चैनल. ठीक है तो प्रोबोसिस क्या था. प्रोबोसिस एनक्लोजेस ए ग्रुप विच एक्सेस ए फूड चैनल थ्रू विच नेक्टर कैन बी ड्रॉन. और जब प्रोबोसिस यूज में नहीं होती व्हेन प्रोबोसिस नॉट इन यूज तो क्या आएगा उसका. द प्रोबोसिस इज केप्ट कॉइल्ड लाइक ए वॉच स्प्रिंग बीनीथ द हेड. तो वो कॉइलिंग पोजीशन में हेड के बीनीथ पड़े रहेगी जैसे कि एक वॉच का स्प्रिंग पड़ा हुआ होता है. ठीक है बट व्हेन प्रोबोसिस इज इन यूज तब वो अनकॉइल्ड पोजीशन में होगी. उसकी कॉइलिंग खत्म हो जाएगी अनकॉइल्ड पोजीशन में होगी. अनकॉइलिंग कैसे होगी. बाय द राइज इन द ब्लड प्रेशर टू रीच द नेक्टर. ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोबोसिस अपने आप ही अनकॉइल्ड पोजीशन में चली जाएगी और जो नेक्टर इज सेप्ट बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर फेरेक्स. ओके नेक्टर को कैसे चूज करेंगे वो बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर फेरेक्स. पेरेट्स उसका मस्कुलर है उसके पंपिंग एक्शन के थ्रू वो नेक्टर को सक कर लेंगे. ओके दिस चैप्टर इज कंप्लीट.